अभी हाल ही में सिंगर विपिन अनेजा की न्यू एल्बम अखिया की सक्सेस पार्टी को जमकर सेलिब्रेट किया गया। सक्सेस पार्टी के दौरान बॉलीवुड के मशहूर सिंगर्स भी पहुंचे थे, जिसमें ऋचा शर्मा, जसपिंदर नरूला और अमान मलिक नजर आए। आइए जानते हैं सक्सेस पार्टी के दौरान सभी ने क्या कहा। बेहद खुशी है मुझे कि अखिया, जो मेरा पहला नॉन फिल्म पंजाबी गाना है, क्योंकि अभी तक मैं जितने भी गाने गाते आया हूँ अपने करियर में, वो हिंदी नॉन फिल्म या फिल्म सॉन्ग्स रहे हैं। और क्योंकि मैं पंजाबी हूँ और दिल्ली से हूँ, और मैंने स्टेज पे हमेशा पंजाबी गाया था, लेकिन आज इस दौर को देखते हुए जब पंजाबी मेन स्ट्रीम में भी, बॉलीवुड में भी आ गया है, तो मुझे लगा कि एक पंजाबी गाना करना चाहिए। और विभास जो उसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत ही उम्दा एक ट्यून बनाई, और देवेंद्र काफिर जी जिन्होंने रंग भर दिया अपने लिरिक्स के, और गाना जो है वो बहुत कमाल का बन के निकला। और इसको टीम डीजी ने डायरेक्ट किया एंड आपके सामने है 1.5 मिलियन प्लस। विपिन मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, भाई हैं, और पिछले ऑलमोस्ट 20-22 साल से हम लोग दोस्ती में हैं, और पूरी फैमिली हमारे घर के जैसे है। तो मैंने उनको डे वन से देखा है मेहनत करते हुए, और बहुत हार्ड वर्किंग है, और अपने बलबूते पे बहुत ही अच्छे मुकाम पे आज पहुँचे, और आगे उनको जाना है और वो जाएंगे। और इस जहाँ तक आज की बात है, मैं बहुत खुश हूँ, इतना सुरीला गाना है, और वो तो गाते सुर हैं, सुर में हैं, बहुत सुर में गाते हैं। मुझे उनका पर्सनली, उनको भी पता है कि मैं उनकी फ़ैन हूँ, सो मैं आज इसीलिए यहाँ हूँ कि उनको मैं दिल से ये बधाई देना चाहती हूँ कि इस गाने को बहुत बहुत सक्सेस और मिले, और ऐसे ही वो सुरीले गाने लाते रहें। डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत गाना है, मैंने सुना, और बहुत ही प्यारा वीडियो भी हुआ है, जो बहुत प्यारा शूट किया गया है। सबसे अच्छी बात है कि उसकी कॉम्पोजिशन मुझे बहुत अच्छी लगी, जो विभास ने बनाई है, और डॉक्टर देवेंद्र काफिर ने लिखा है गीत को, और बहुत ही अच्छा गाना है, मीठा गाना है, और मीठा गाना होने के साथ साथ उसका पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा हुआ, विच इज़ मोर, यू नो, बहुत अट्रैक्ट करता है। सो दैट्स अबाउट इट। ऑब्वियसली मैंने शेयर भी किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, एंड मैं खुश हूँ इस बार कि इंस्टेड, यूजुअली होता है कि हम सिंगल्स बनाते हैं, मेरे काफ़ी सिंगल्स में एक्टर्स भी रह चुके हैं, वो नॉन फिल्म है नो डाउट, बट नॉन फिल्म इंडिपेंडेंट म्यूजिक वो होता है जो आप अपने लिए करते हो और अपने फेस के लिए करते हो, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एन आर्टिस्ट कीप्स डूइंग दैट। अरमान भी कर रहा है, अरिजीत सिंह भी करने की कोशिश में है अभी, यू नो, फिल्म से लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम नॉन फिल्म को देना चाहते हैं, क्योंकि सिचुएशंस में कई हम बन जाते हैं, यू नो, फ्री माइंड से एक नॉन फिल्म सिंगल जब बनता है, जैसे मैं रहूँ या ना रहूँ, इट रीचेज आउट। तो आई थिंक द वीडियो इज़ ब्यूटिफुल, ही इज संग रियली वेल, आई लव हिज वोकल टोन, एंड आई हैव अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद हिम, क्योंकि मेरे सब स्ट्रगलिंग डेज में, मेरे सब स्क्रैचेस जब मैं बनाता था, दैट टाइम विपिन अनेजा सर यूज़ टू कम होम एंड यूज़ टू हियर ऑल माई सॉन्ग्स एंड यूज़ टू टेल मी कि ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, और इसी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। आई लव हिम एज अ पर्सन, यू नो, आई एम समवन हु कनेक्ट्स ऑन दैट लेवल, मैं जस्ट बिकॉज इज अ ग्रेट सिंगर आई एम नॉट हियर, आई एम हियर बिकॉज इज अ रियली नाइस पर्सन।